हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सबके साथ अपने बेबी का जो लंच रूटीन होता है वो शेयर कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे को मालिश करने के बाद क्या खिलाती हूँ, क्या करती हूँ, ऐसे ही कुछ थोड़ा थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया, कैप्चर किया है, शायद कुछ लोगों को हेल्प मिल जाए। और मेरे पास कमेंट तो आज की नहीं, जब से मेरा बेबी हुआ है तब से आ रहे हैं ऐसे कमेंट कि आप अपने बेबी का रूटीन दिखाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लेकिन मैं कुछ मेरी मजबूरी नहीं, मैं अपने बच्चों में इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी होती है। यदि मैं कुछ एक चीज़ कर पाती हूँ, मैं लगातार दो चार चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। मेरे तीन तीन बच्चे हैं, मतलब उनको संभालना, और कोई बड़ा नहीं है, सब छोटे हैं, तो इस वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किलों से ये वीडियो मेरा करीब 8-10 दिन पहले का है, एक क्लिप जो मैं आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा कर दो, मैं काम छोड़ के मैं वीडियो एडिट करने को बैठी हूँ। मैंने कहा कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे। कई लोग रिक्वेस्ट करना कई लोगों ने छोड़ दिया, कई लोग आज भी बोलते जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो फिर मैं आज कर देती हूँ आप सबसे, मैं अपने बेबी का लंच रूटीन में क्या करती हूँ, एक ही चीज़ दिखाऊँगी। और मैं एक ही चीज़ नहीं खिलाती पिलाती हूँ, मैं बदलती रहती हूँ, जो कि मैं आप सबसे शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, और यदि आप चाहें तो मेरे वीडियो को शेयर करना। यदि आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइज, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। चलिए वीडियो की तरफ जाए। तो यहाँ दोपहर का टाइम हो रहा है, मैंने भैया को नहला लिया है, और नहलाने के बाद मैं भैया की मालिश कर रही हूँ। और मालिश में मैं, हाँ ये भी मेरे पास कमेंट आता रहता था कि आप कौन सा तेल लगाती हैं, तो मैं नारियल का तेल लगा रही हूँ। अभी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में नारियल का तेल यूज करती हूँ मैं, और ठंडी भर मैंने सरसों का तेल लगाया है, जो कि मैंने कई वीडियो में बताया है और दिखाया भी है, तो ऐसा है। और ये नारियल का तेल मैंने पैरासूट का मंगाया था, एक पाउच आता है 10 रुपये का वो, और ये सीसी है, सीसी में मैंने रख लिया है भर के, तो वही मैं करती हूँ। तो पहले मैं भैया की मालिश यहाँ से चिश्ते से, मतलब सीना से लगा के पेट की करती हूँ, फिर हाथों की करती हूँ। और मैंने उतनी लंबी क्लिप ऐड नहीं की है जितना लंबा मैंने इसको मतलब मालिश किया था, थोड़ी सी क्लिप ऐड की है, मतलब आप लोग इतने में समझ जाएंगे। तो बाकी मैं अपने भैया की करीब 15 से 20 मिनट तक मालिश करती हूँ, हाथ की, पैरों की, मतलब पेट की, सब की। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, और ऐसे एक्सरसाइज सा हो जाता है थोड़ा, और बच्चा खुश भी रहता है। मेरा भैया तो आप सबको दिख ही रहा होगा कैसे खेलता है, जब मैं अपने भैया के हाथों को ऐसे एक्सरसाइज करती हूँ तो बहुत हंसता है, और पैरों का करती हूँ तो वो बहुत हंसता है, तो ये बहुत अच्छे से करवा लेता है। तो मैं पहले ही इनकी एक्सरसाइज कर देती हूँ, फिर इसकी पीठ की मालिश करती हूँ, कमर की, क्योंकि फिर मैं उठा के तो यहाँ मैंने आगे की मालिश कर दी, अब मैं इसकी पीठ की मालिश करूँगी। पीठ की मालिश करने के बाद फिर इसको मैं पाउडर लगाऊंगी, तो मैं पाउडर लगा रही हूँ, पाउडर मैं हिमालया का लगाती हूँ। पहले तो मैं जॉनसन भी लगाती थी, फिर हिमालया का मैंने मंगा लिया था। तो पाउडर लगाने के बाद मैं अब इसको कपड़े पहना दूँगी। तो मैंने नहलाने का वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाती हूँ, और वो वीडियो मेरा फिर रिजेक्ट हो जाता है यूट्यूब से, मैं गलती कर देती हूँ। तो वो मैंने ऐसे ही बना लिया, जब मैं नहलाने के बाद मुझे याद आया कि क्लिप ऐड कर लेते हैं। मेरी प्यारी प्यारी सिस्टरें हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मैं शेयर करूँगी। और कोशिश मैं करती हूँ कि मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ, क्या बताऊँ, मैनेज नहीं कर पा रही। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मेहनत तो सबको करनी चाहिए, लेकिन मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रही हूँ। मैं कैसे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पाउडर लगाने के टाइम में रोता है, थोड़ा सा परेशान करता है। और काजल ना ये बहुत अच्छे से लगवा लेता है, और ये मेरे घर का काजल है, मतलब ये बाहर का नहीं है, हम घर में ही बना लेते हैं। और मुझे सब आता है, जैसे मैं कोई भी चीज़ ट्राई करूँ कुछ भी, तो काजल भी मैं बना लेती हूँ अच्छे से। तो काजल लगवा लिया बहुत अच्छे से, अब थोड़ा सा मैं इसको खिलाऊंगी, अन्य यवेस के बालों में तेल डालूंगी, सिर की मालिश करूंगी, अभी बोने हुई है तो कपड़े अपने चेंज करने के बाद करती हूँ, क्योंकि बालों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल डालते हैं हम, क्योंकि यदि हम बाद में कपड़े पहनाते हैं ना तो सिर का जो तेल होता है वो कपड़ों में भी लग सकता है इस वजह से। तो यहाँ मैं ट्राईपॉड में फ़ोन फंसाए हुए हूँ, मतलब कैमरा अपना, तो ये वो ट्राईपॉड खींच रहा है, दिख रहा है, और अच्छा लगता है कि ट्राईपॉड से बहुत खेलता है, लेकिन कैमरा गिर जाए, फूट उठ जाए तो डर लगता है।
हाँ तो यहाँ मैं तेल क्यू कार्पिन का लेती हूँ। क्यू कार्पिन का तेल आता है, अच्छी खुशबू भी रहती है और ये अच्छा होता है। मैंने हेमू को छोटे में वही डाला है क्यू कार्पिन का, और हेमू के बाल बिल्कुल ऐसे थे, भैया की सेम कॉपी थी हेमू। और अब हेमू के बाल बहुत घने हैं, आप सब देखते ही होंगे चोटी वोटी जब मैं करती हूँ। तो क्यू कार्पिन तेल डाला है मैंने हेमू को भी और भैया को। और भूमि का बोलूँ तो भूमि को मैंने कुछ नहीं डाला है, ना मैंने जॉनसन्स बेबी, मेरी भूमि ऐसी नॉर्मल चीज़ों से बड़ी हो गई है। तो इसके बालों की मालिश थोड़ी देर में करूँगी, अच्छा रहता है। हम सिर की मालिश जितनी करते हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बोलते क्या बोलते हैं, वो ठीक रहता है। मुझे उतना नहीं आता है, जितना आता है मैं बता देती हूँ आप सबको, तो मुझे माफ़ करना यदि मैं गलती करती हूँ तो। और वीडियो को लाइक तो कर दिया करो गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ आप सबके लिए। तो देखिए भैया हमारा रेडी है, और यहाँ मैं थोड़ा अपने मुझे भी दिखा रही हूँ कि मुझे भी देख लो मेरी हालत क्या है। तो ऐसे बनी रहती है मेरी दोपहर भर हालत। तो देखिए हमारा बिट्टू, हमारा प्यारी डान कैसी रेडी हो गई है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी खेल भी रहा है, और अभी थोड़ी देर में इसे मैं कुछ खिलाऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप सबको। तो थोड़ा सा खेलने के बाद ही मैंने लिया है केला। तो केला मैंने ये अभी सुबह मंगाए थे, यहाँ पड़ोस में मिलते हैं, तो मैंने दूध लिया है। तो मैं अपने भैया को कभी कभी, डेली नहीं देती हूँ, कभी कभी मैं दूध केला देती हूँ, क्योंकि डेली दूध केला नहीं देती हूँ, क्योंकि दूध और केला, दूध ना वो गिरस्ट होता क्या होता है सब लोग बोलते हैं, बाकी केला और दूध अच्छा होता है यदि बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है। तो ये मैंने केला लिया है, कितना लिया है, थोड़ा सा लिया है, मैं इसका वेट नहीं बता सकती हूँ कितना है। और ये मैं दूध में इसको मिक्स कर लूँगी, एक पेस्ट सा बना लूँगी, थोड़ा सा पतला रहेगा क्योंकि भैया अभी खाता नहीं है, तो चम्मच से ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, तो पतला बनाती हूँ। और जब खिलाऊँगी तब भी आप लोग देख लेना कि कितना उसका नाटक चलता है, बिल्कुल नहीं खाता है, पीछे जाता है कभी कभी, तो ज़मीन में ऐसे लगता है उसकी सिन्ना लग जाए। तो इसलिए मैंने यह सब पेस्ट सा बना लिया है पतला। देखो मैं बैठ के खिला रही हूँ, मतलब आप सबको कैप्चर करके दिखा रही हूँ कि देखो ये बैठ के बिल्कुल भी नहीं खाता है, बिल्कुल नहीं, ये अपना मुंह वैसा करता ही नहीं कि इसके अंदर एक केला और दूध चला जाए। तो कोशिश करती हूँ लेकिन वो नहीं खाता है। तो बस अब मैं इसे गोदी में लटा के खिलाऊंगी, और बैठ के मैं बहुत कम खिलाती हूँ, जैसे जब बिस्किट खिलाती हूँ तो वो बैठ के खा लेता है, जब वो बाहर बैठा होता है, बाहर सबसे बाहर, तो वहाँ खा लेता है दूसरों को देख। तो यहाँ मैंने भैया को ये रूमाल है, मैं अपने भैया को रूमाल लगा लेती हूँ गले में, मतलब दो रूमाल किए हैं, एक गंदा हो जाए तो ये धुल के डाल दूँगी, फिर जब भी खिलाऊँगी तो एक और है वो मैं लगाऊंगी। तो जैसे दूध, बिस्किट, केला जो भी हम खिलाते हैं, वो यदि मुंह से बाहर करता है तो रूमाल में छप जाएगा, इसके ना तो कपड़े गंदे होंगे और ना ही खुद गंदा होगा, क्योंकि फिर दूध रहता है तो वो बदबू देने लगता है, गंदी स्मेल आती है इस वजह से। तो ऐसे ही मैं करके भैया को मना मना के खिलाऊंगी। अभी तो ये खा रहा है, अभी थोड़ी देर में देखना क्या क्या करता है, अभी भी नाटक चालू है, पाँव दिख रहा है कैसे चल रहा है। यहाँ मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, इसलिए जल्दी जल्दी अब फटाफट दिख रहा है आप सबको। अब देखो, हाँ बस अब इसके नखरे हो गए हैं चालू, अब ये पीछे को जाएगा, और यदि मैं थोड़ा सा अपना हाथ धीमा, मतलब ऐसे कर लूँ, वजन ना रखूँ उसके ऊपर, तो वो जस्ट ज़मीन में लग जाएगा सिर उसका, फिर रोएगा। पता नहीं छोटे बच्चे कैसे होते हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि मैं ज़मीन में घल रहा हूँ या क्या है, बहुत परेशान होना पड़ता है एक बच्चे के साथ। और मैं पूरी फैरी परेशान होती हूँ सच्ची में, क्योंकि भैया को खाना खिलाना सब कुछ मुझे ही करना होता है, सब मुझे करना होता है, मतलब बच्चों के लिए हेल्प के लिए मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे लिए मतलब बच्चों का कोई हेल्प करे कोई नहीं करता, मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ। तो ऐसे ही मैं खिलाती रहती हूँ, और जितना मुझसे बनता है उतना मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने मैंने अपनी हेमू का भी किया है। हेमू जब हुई थी तब तो मैं कितनी 15 साल की थी, जब हेमू मेरे पास हुई थी तो तब मैंने किया था हेमू का, सब मैं करती थी, हर चीज़, दवाई अवाई, खाना आना, हर चीज़। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं ही संभाला करती थी उसे। तो फिर भैया, तो अब तो मेरी एज भी हो गई है एक माँ की, और दो बच्चे मैं पहले संभाल चुकी हूँ, तो मुझे अब आइडिया भी आ गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, मतलब काम करना घर के, फिर बच्चों को संभालना, तो थोड़ा सा लगता है कि यदि किसी की हेल्प मिल जाए तो थोड़ा सा सुकून मिले, है ना। जैसे एक आध बार हमने कुछ खिला दिया, फिर एक आध बार और कोई खिला दे, तो बहुत मिस करती हूँ इस टाइम मैं अपनी बहनों को, क्योंकि लॉकडाउन है तो वो आ नहीं सकती है, नहीं तो मैं अपनी किसी सिस्टर को बुला लेती, और नहीं तो मैं खुद वहाँ चली जाती, जिससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती। क्योंकि भैया हुआ है तब से मैं 15 दिन के लिए ही गई थी मायके, क्योंकि उतनी मेरी भी हिम्मत नहीं है। कहाँ हो गया, चलो
तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ मेरे वीडियो को गाइज लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो ये था मेरे भैया का लंच रूटीन, कैसा लगा ज़रूर बताना आप सब लोग।